जैसे कि क्रिकेट की जो प्लेलिस्ट मैंने बनानी थी उसका ये ट्यूटोरियल बनना है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे आपका स्टांस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो बैट को पकड़ना है ना वो वी शेप होनी चाहिए, इस तरह के आपने वी शेप बनानी है, ठीक है। और आपका स्टांस जो होना चाहिए, ये वाला फुट ऐसे होना चाहिए, ये वाला फुट थोड़ा सा गैप में होना चाहिए, मतलब ये पीछे होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए। और आपने बैट जो है ना वो इन दोनों के बीच में ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और आपका हेड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और जो आपका हेड है वो शोल्डर्स के बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे लाइक दिस। फिर वो जैसे ही वो बॉल गिराएगा आपने वहाँ से ऐसे खेलना है, ठीक है, लाइक दिस। इसकी मूवमेंट होनी चाहिए, ये देखें इसमें बॉल गिराई मैंने उसी बैलेंस के साथ खेला, फिर गिरा, ये देखें उसको बॉल गिराई हमने उसी बैलेंस के साथ खेला, ऐसे बॉल है हमने उसी बैलेंस के साथ खेला, इसको हमने कहते हैं फ्रंट फुट। तो आप इसकी आप ड्रिल कर सकते हैं, आपने इसी तरह तीन बॉलें ले लेनी है अपने पास, तीनों को ऑलमोस्ट 12 इंचेस का गैप देना है तीनों को, ठीक है। और ये ड्रिल करनी है आपने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसके आपने 10-10 के करने हैं, तो आप इसके आपने 10-10 के प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी ना ड्रिल होगी एक कम्प्लीट, हर ड्रिल में आपने 10-10 करनी है, ठीक है। तो इससे आपकी जो फ्रंट फुट डिफेंस वगैरह हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह आप फ्रंट फुट डिफेंस कर सकते हैं आपने इस फुट की, और आपने कोशिश करनी है कि आप इस वाले हाथ से डिफेंस करें, सिर्फ शुरू में आपने डिफेंस करने के लिए सिर्फ ये वाला हाथ इस्तेमाल करना है, ताकि आपके इस हाथ में इतनी ताकत बने, इतनी ग्रिप बन जाए कि आपका डिफेंस जो है वो आप बहुत ईजीली कर लें, लाइक दिस क्रैब बॉल। ये देखें मैंने इससे किया, ये देखें लाइक दिस, सिर्फ इससे डिफेंस करना है। ठीक है, और जब इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अब आपने पहले इसकी 10-10 प्रैक्टिस कर लेनी है, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद ट्यूटोरियल 2 देखें मेरा, ओके।